बीच राजधानी वासियों के लिए एक और खुशखबरी। जी हां, रांची को 244 नए सिटी बस की सौगात मिलने वाली है। बस खरीदने के लिए नगर निगम ने टेंडर निकाला है। रांची के रिंग रोड तक अब सिटी बस सेवा की सुविधा राजधानी वासियों को मिलेगी। राज्य के स्थापना दिवस पर सिटी बसों की सेवा की शुरुआत करने की तैयारी है। 15 नवंबर को झारखंड स्थापना दिवस पर सिटी बस सेवा की शुरुआत होगी। सहयोगी सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। सूरज, अब राजधानी वासियों को बेहतर यातायात के विकल्प मिलेंगे, कई नए बसें शुरू होने वाली है, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, राजधानी रांची के शहरों में पहले से ही रांची नगर निगम के द्वारा पिंच बस की बात कर ली, अन्य बसों की बात कर ले, लोकल ट्रेवल के लिए लगातार यहाँ पर बसेस पहले से भी है, लेकिन जी नवंबर को 240 नई बसों का परिचालन शुरू हो जाएगी। इसमें 20 एसी बसें होंगे, बाकी सारे बसें नॉन एसी होंगे। इसके बाद नगर निगम ने इस बस को लेकर जल्द वो टेंडर भी पूरी हो जाएगी। राजधानी रांची के अगल बगल के जितने भी या फिर रिंग रोड की बात या फिर शहर के आसपास के इलाकों की बात कर ले, उन जगहों तक ये सिटी बस की परिचालन होगी। जी सूरज, 244 नई बसें, क्या इसके लिए राजधानी की सड़कें तैयार है? ये भी एक समस्या खड़ी हो जाती है। देखिए बिल्कुल, राजधानी की सड़कें को दुरुस्त करने के लिए 3 नई फ्लाईओवर, जल्द ये तीनों फ्लाईओवर का जो निर्माण है वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि सरकार ने जो डेडलाइन दिए हैं, विभाग जो काम कर रही है उनके डेडलाइन के अनुसार आने वाले कुछ महीने जो फ्लाईओवर दुरुस्त हो जाएगी। इसके अलावा जितनी भी सड़कें हैं, चलिए तो ये अच्छी बात है कि सरकार हर दिशा में पहल कर रही है। धन्यवाद सूरज इस तमाम बातचीत के लिए। तो 15 नवंबर झारखंड स्थापना दिवस के अवसर पर उससे पहले ही तैयारी चल रही है निगम की 200